दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार। रोशनी का ये पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए गणेश भगवान और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इनके साथ इस दिन महानिशा यानी माँ काली की आराधना करने का विशेष महत्व है। वैसे तो प्रतिदिन काली पूजन करना शुभ फलदायी है, लेकिन दिवाली की रात की गई पूजा से माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती हैं। क्यों की जाती है दिवाली पर माँ काली की पूजा? पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षसों का संहार करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो माँ काली के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी माँ काली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी कुछ राज्यों में है। भारत के अधिकतर राज्यों में दिवाली के अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में इस दिन माँ काली की विशेष पूजा होती है, जो कि अर्धरात्रि में की जाती है। दरअसल इसको लेकर ये मान्यता है कि इसी दिन देवी काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी। इस विधि से करे माँ काली को प्रसन्न। सर्वप्रथम स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर माँ काली की प्रतिमा स्थापित करें, फिर तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, लाल गुड़हल के फूल को माँ को अर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। काली पूजन में देवी माँ को खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी का भोग लगाएं। मान्यता है कि काली माँ भोग से प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो ऐसे में आप दिवाली के दिन माँ काली को धूप बत्ती चढ़ाएं, फिर देवी माँ का कोई सिद्ध मंत्र पढ़कर इसमें फूंक मार लें। अब रोजाना इस धूप को घर में दिखाएं। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए भी काली पूजा बहुत ही लाभकारी मानी गई है। दिवाली की रात को देवी माँ को सरसों के तेल, काले तिल और काले उड़द चढ़ाना भी शुभ फलदायी होता है। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप भी दिवाली पर काली माँ की पूजा कर सकते हैं।